थाना कृष्णनगर की पुलिस टीम द्वारा एक बीमा कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने देकर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। इसके दो सदस्य पूर्व में ही थाना कृष्णनगर द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं। इस संबंध में धारा 420, 467, 471 इत्यादि के अंतर्गत थाना कृष्णनगर पर 2022 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। और ये लोग कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन के पास में इन्होंने एक अस्थाई ऑफिस अपना खोला था, जहाँ पे अक्सर ये लोगों को नौकरी देने के नाम पर बुलाते थे और वहाँ पर उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करते थे और नौकरी देने का अश्योरेंस करते थे। इसके बाद जब इनके दो साथी पकड़ गए, फिर ये जो दो साथी अब पकड़े गए हैं, इन साथियों ने एक नया ऑफिस सरोजनी नगर में खोल लिया था फरार होने के उपरांत, और अब पुलिस टीम ने इनको पतारसी सुरागरसी से इनको इनकी जानकारी की है और अब इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स बरामद किए गए हैं, कई आधार कार्ड की प्रतिलिपियां जो इन्होंने कैंडिडेट से ली थी वो बरामद की गई हैं, कई रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बरामद करे गए हैं और एक संजीवनी हर्ब प्रोडक्ट करके इन्होंने कई को इसके सेल्समैन बनाने के लिए भी ऑफर दे रखे थे, कॉल लेटर्स दे रखे थे, वो भी बरामद करे गए हैं। इन दोनों अभियुक्तों का नाम कमल सिंह उर्फ रिंकू सिंह है, ये सचेंडी थाने के जनपद कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और दूसरे अभियुक्त का नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, ये जनपद लखनऊ का ही थाना तालकटोरा क्षेत्र का रहने वाला है।